हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं कठाश्वर महादेव टेम्पल, जो एक शिव का टेम्पल है और प्राचीन शिव का टेम्पल है, और जो अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है और जो रत्नागिरी से कम दूर है। तो आइए चलते हैं हम कठाश्वर महादेव टेम्पल। और यह बहुत ही प्राचीन है और रत्नागिरी से कम 45 या 60 किलोमीटर दूर है। और काफ़ी महत्व है इस टेम्पल का, स्पेशली जो सोमवार होते हैं और सावन के महीनों में इसकी काफ़ी यहाँ पे भीड़ बताई जाती है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो आज हम इस टेम्पल के दर्शन करने आए हैं, तो और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके परिसर है, और यहाँ से जो रास्ता है गोमुख जाने का रास्ता है, जो समुद्र किनारे जाने का रास्ता है, इसे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम सू को निकालेंगे और अब मंदिर के परिसर का भ्रमण करेंगे, और उसके बाद मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। तो ये मंदिर के बाहर का एरिया है, और अगर हम यहाँ के मंदिर को अगर हम देखें तो इसकी जो बनावट है यह उत्तर और दक्षिण भारत के जो बीच का है वो है ना। तो ये पूरी तरह द्रविड़ शैली के हैं और ना ही ये पूरी तरह नागर शैली के हैं। तो ये एक बीच कॉम्बिनेशन है, जहाँ बड़े बड़े स्तूप भी हैं और गर्भगृह बहुत छोटा भी है। तो ये एक दोनों शैलियों का एक कॉम्बिनेशन है, और मंदिर एकदम पुराने तरीके से बनाया गया है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और इसके जो किनारे हैं अरेबियन सी है, और जो स्तूप है इनका उपयोग दिए जलाने के काम करते हैं, उस समय में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी शांति है, काफ़ी ग्रीनिश है, और मैं बहुत ही आनंद लेने वाली हूँ उस मंदिर के, और बहुत शांति का अनुभव मुझे लग रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है जो सी है, बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर सी है यहाँ पे, जो सीलिंग आप देख सकते हो। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार है, बहुत ही औसम है। अगर आप फ्रेंड्स रत्नागिरी दर्शन कर रहे हो तो कठाश्वर महादेव टेम्पल आना ना भूलें। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस भी है और एक धार्मिक प्लेस भी है, और ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है। और अब हम चलेंगे मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है, ये है गर्भगृह यहाँ पे, और ये प्राचीन गर्भगृह है। और यहाँ पे एक इनकी खासियत है मंदिरों की कि यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमें किसी पंडित जो यहाँ के पुजारी होते हैं उनके द्वारा हम जल दूध दक्षिणा फल भगवान को जो अर्पण करना चाहते हैं हम उनको दे सकते हैं, परंतु हम स्वयं अर्पित नहीं कर सकते हैं। हम केवल बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, और चाहे ये सावन का सोमवार हो या कोई भी धार्मिक त्यौहार हो, उस दिन भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, यहाँ पे अंदर के प्रवेश नहीं लिखा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। तो मुझे भी यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है, मैं भी बाहर से दर्शन कर रही हूँ और शिव से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा साल अच्छा हो, आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो और मेरे दर्शक भी खुश रहें। तो अभी हम चलते हैं गोमुख की ओर, और ये है गोमुख का रास्ता है, और यहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे रत्नागिरी में एक्चुअली बहुत ड्राई एरिया है, बट यहाँ पे और बहुत गर्मी भी है, बट आज यहाँ पे हम समुद्र के किनारे हैं तो काफ़ी हवाएं चल रही है, तो अच्छा महसूस हो रहा है। और काफ़ी समुद्र के किनारे हैं तो ग्रीनिश भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही मंत्रमुग्ध आनंद का अनुभव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ के आनंद का अनुभव करती हूँ, आप भी इसके साथ खो जाइए इन वादियों में। Thank you.
है गोमुख, जहाँ से निकल रही है शास्त्री नदी। और यहाँ का जो पानी है बहुत ही मीठा पानी है, जैसे अपने उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी है उस तरह से कुछ इतना अच्छा है। और यहाँ पे मुझे हाथ मुँह धो के बहुत ही ठंडा का अनुभव हुआ, क्योंकि ये पानी है ये पत्थरों के अंदर से आ रहा है, तो काफ़ी ठंडा और रिलैक्सिंग पानी है। तो रत्नागिरी में आजकल बहुत ही गर्मी है, और अगर आप गर्मी से थोड़ा रिलैक्स चाहते हो तो कटेश्वर महादेव के बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अच्छे दर्शन भी होते हैं, और यहाँ पर ठंडी हवाएँ, ठंडा पानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और आई होप आपको भी ये तो जो मेरा सीरीज़ था काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको दिखाया मंदिर के बारे में, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, सी का एरियाज़, यहाँ के जो शैलीज़ बनाई, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।